हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज एंड दिस इज दी सेकेंड एपिसोड ऑफ डब्ल्यू सीरीज जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो यार देखो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू क्लियर अबाउट टू थिंग्स सबसे पहले तो ये है बात कि जैसे ही तुम इस वाले सेक्शन यानी लेक्चर को देख लेते हो इसके जस्ट नीचे तुमको हमारे ऐप पर ही बेसिकली जो है एक क्विज टेस्ट मिलने वाला है तो प्लीज उसको दे देना पाँच मिनट लगेंगे और साथ, हो साथ उसके नीचे ही तुमको जो है ना यार बेसिकली हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे एंड इफ यू आर लाइक वॉचिंग दिस होल सेशन ऑन यूट्यूब ठीक है तो तुम ऐप पर जा करके भी देख सकते हो ठीक है अभी से ही पॉज करके एंड साथ वहाँ पर तुमको इसके हैंड रिटन नोट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और कोई टेस्ट भी मिल जाएगा विच विल हेल्प यू अलॉट ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं विद दी लाइक फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो यार देखो अब जैसे ही तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक आइडिया आता है ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर इज़ समथिंग जिसमें तुम्हारे बहुत सारे नेशंस उतर करके समझ रहे हो लड़ाई करते हैं युद्ध होता है तो वर्ल्ड वॉर हम कह सकते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट पूरे जितने भी तुम्हारे वर्ल्ड में होने वाले कंट्रीज हैं नेशंस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेट इन दी सेंस देखो यार उसमें ऐसा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है उसमें बात सीधी सी है आपकी किसी से लड़ाई हो गई आपने एक प्रॉपर टीम बना ली एक ये टीम है एक ये टीम है पूरा वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है और लड़ाई होने लगी ठीक है तो ये कुछ तुम्हारा वर्ल्ड वॉर था बहुत ऊपर ऊपर से बहुत सिंपल बात करी यू can't even imagine इमेजिन यानी जो वर्ल्ड वॉर यार एक होती है वो कितनी ज़्यादा सिवियर होती है कितने लोग अपनी अपनी जानों को खो देते हैं कितने लोग अपने क्लोज वंस को खो देते हैं ठीक है, है? यानी वर्ल्ड वॉर यार एक ऐसे छोटी वोटी बात नहीं है समझ रहे हो तुम तो उसको ऐसे कुछ दो चार लाइनों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते लेकिन स्टिल यार देखो बात ऐसी थी कि बेसिकली तुम एक चीज़ जानते हो कि इंडिया है ठीक है तो इंडिया में जो है ना लाइक इंडिया नहीं वर्ल्ड है प्रॉपर वर्ल्ड है अर्थ पर सात कॉन्टिनेंट्स हैं ठीक है अब उन्हीं कॉन्टिनेंट्स के जो मेजर मेजर बड़े बड़े नेशंस हैं लाइक इंडिया प्ले अ वेरी बिग रोल इन होल वर्ल्ड ठीक है उसके साथ साथ लाइक like, चाइना हो गया उसके बाद जो है तुम्हारा एक और देश हो गया लाइक like, यूएसए uh, हो गया रशिया हो गया इंग्लैंड हो गया ठीक है ये जो है ना बड़े बड़े देश होते हैं लेकिन वहीं तुम तो अगर थोड़े से बैक एंड पे आओगे तेन विल सी दैट अब तुम्हारे जो छोटे से देश हैं लाइक एक हमारा नेपाल है ठीक है तो वो साइज में भी छोटा है उसकी पॉपुलेशन भी कम है तो ऐसे देशों की जो ना पार्टिसिपेशन को एस सच कोई बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती यहां पर आपकी बात होती है अबाउट दी बिग नेशंस जो कि काफी बड़े हैं जिनकी पॉपुलेशन पूरी गैदरिंग काफी ज्यादा है जो बहुत पावरफुल भी हैं जिनके पास लैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा है उनकी बात की जा रही होती है ठीक है तो यार देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे कि यार इट इज़ ऑल्सो अ वॉर और मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि यार वॉर इज़ नॉट समथिंग कि आपस में दो लोगों के बीच में आ, जो है ना तूतू में में हो गया ऐसा वाला सीन नहीं होता ठीक है यहाँ पर जो है ना बहुत सालों से बहुत डीकेड्स तक कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हो, होती हैं कुछ छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं लाइक एट्रोसिटीज परफॉर्म की जाती हैं एक साइड से दूसरी साइड पर या फिर कुछ जो है ना एक ऐसे पॉलिटिकल कॉज हो जाता है कुछ भी हो सकता है तो उसके बाद वॉर आती है ठीक है सो so बेसिकली यार बहुत सारे कॉजेज होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वॉर वॉर ऐसा नहीं है ना मैं बता रहा हूं कि तुमने अब माचिस की तीली ली आग लगाई और लड़ाई हो गई ऐसा नहीं होता है ठीक है ये ऐसी छोटी छोटी बात नहीं है सो so जो कॉजेज थे तुम्हारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट तो यार देखो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कह सकते हैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से वो था अग्रेसिव एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म तो अब मोस्ट ऑफ यू विल बी लाइक अ पैट्रियोटिक गाय ठीक है uh, तो बेसिकली यार देखो तुम समझते हो ना कि पैट्रियोटिज्म क्या होता है नेशनलिज्म को तुम पैट्रियोटिज्म के थ्रू बहुत सिंपली यानी जो ना डिफाइन कर सकते हो तो पैट्रियोटिज्म क्या होता है अब जैसे जो है ना तुम एक इंडियन हो तो तुम इंडिया के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हो ठीक है तुम इंडिया के हित के बारे में सोच रहे हो तुम इंडिया के जो है ना डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्या है ये पैट्रियोटिज्म है यू लव योर ओन कंट्री और उसके लिए तुम काम करना चाहते हो उसके बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो ये क्या हो गया ये हो गया पैट्रियोटिज़्म फॉर वंस ओन कंट्री लेकिन अब बात कुछ और हो जाती है लाइक like, पेट्रियडिज्म एक उस एक्सटेंट तक पहुंच जाता है ठीक है अगर थोड़ा सा यार देखो हर चीज़ मॉडरेट अच्छी लगती है लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हेटरेड भी आ गया अगर ठीक है अगर इसमें हेटरेड वाला भी फैक्टर आ गया हाउ कैन यू वेन इमेजिन कि तुम्हारी कोई एक लव ठीक है यू हैव अ लव फॉर योर ओन कंट्री और उसमें एक छोटी सी हेटरेड वाली भी चीज़ आ जाए यार वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाती है और वही निकल के आती है तुम्हारी अग्रेसिव एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म दैट इज़ समथिंग जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार आप अपनी कंट्री को तो प्यार करते हो लेकिन उसी वजह से आप अपनी एक फेलो कंट्री को या नेबरिंग कंट्री को या फिर एक और कंट्री को जो है ना उसके लिए आपने हेटरेड बना रखा है ठीक है टू टू लव योर ओन कंट्री

इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड वेपन्स भी नहीं थे आप किसी भी तरीके से बात कर लो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे उस समय पर एकदम स्टार्टिंग में जब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ठीक है तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने ट्रेड के नाम पर एंट्री ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को वहां पर इंप्लीमेंट किया और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया एक प्रॉपर कॉलोनी बना ली यानी वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करते थे और ये थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और इस वजह से भी वर्ल्ड वॉर हो सकता था कि आप किसी की भी एक पॉलिसी यानी लाइक किसी एक कॉलोनी में जा रहे हो किसी एक फेलो कंट्री की या फेलो बहुत बड़े नेशन की ठीक है या फिर आप जो है ना उसी में जा के कुछ कर रहे हो ऐसा और ये चीज़ जो है ना वहाँ के लोगों को राज नहीं आई इसकी वजह से लड़ाई हो गई उसके बाद देखो कॉलोनीज ऑल्सो एडेड टू दी पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूरोपियन पॉलिसीज ठीक है तो अब ये जो कॉलोनीज वाली बात हो रही थी अब देखो यार जैसे तुम्हारा ब्रिटेन आया था उन्होंने एक इंडिया को ऐसे कॉलोनी बना रखा था दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक योर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक शहर में जो ना रेलवे कॉलोनी होती है अब वहाँ पर जो ना कुछ पचास सौ पाँच सौ मकान हो जाते हैं एक प्रॉपर सेक्टर होता है ठीक है और वो एक कॉलोनी हो गई दिस इज नॉट एट ऑल समथिंग लाइक दैट तुम किसी एक कॉलोनी में अपना रेजिडेंशियल एरिया लिए हो गे? ठीक है तो ये वाली बात नहीं है यहाँ पर कॉलोनी रिलेट्स टू समथिंग कि बहुत बड़ी एक पावर जो है ना एक छोटी पावर पर प्रॉपर अपना हक जमा ले हक जमा लेती है और बेसिकली उस चीज को एक्वायर कर लेती है ठीक है दिस इज दैट समथिंग थिंग ठीक है यानी बेसिकली तुम समझ सकते हो यहाँ पर बात किस लेवल पे हो रही है ठीक है तो यहां पर जो ना कॉलोनीज बनाना भी उस समय पर ट्रेंड था इस वजह से जो है लड़ाइयाँ हो रही थी उसके बाद यार देखो आगे बढ़ते हो रेस फॉर आर्मानेंट अब यार देखो उस समय पर एक और लड़ाई चल रही थी कि लोग कह रहे थे कि हम ज़्यादा पावरफुल तब दिखाई दे रहे जब होंगे जब हमारे पास ज़्यादा अच्छे मॉडर्नाइज वेपन्स होंगे जब हमारे पास ज़्यादा बुलेट्स होंगी ज़्यादा गन्स होंगी ज़्यादा एम्यूनेशन होगा ज़्यादा ग्रीनेड्स होंगे ठीक है ज़्यादा वेपन्स होंगे और ये सारी चीज़ों की वजह से जो है एक आर्मन को आ, ऐसे यानी लाइक एम्यूनेशनस को बेसिकली कलेक्ट करने की एक रेस सी बन गई ठीक है कि यानी जिसके पास ज़्यादा एम्यूनेशन वो ज़्यादा पावरफुल ऑब्वियसली कह भी सकते हैं

अब इसका मतलब यार ये है कि जब उन्होंने एक बहुत पावरफुल नेवी बना ली ठीक है सो तो उसका सिंपल सा मतलब ये एक था कि अगर उनके पास कोई भी आता है लड़ने के लिए तो वो पहले ही डर जाएगा इतनी खतरनाक उन्होंने नेवी प्रिपेयर कर रखी थी तुमने यार टाइटेनिक मूवी देखी है ना तुमको लगता था कि हाँ यार क्या ही वंडरफुल एक प्रॉपर शिप है ठीक है वो पता क्या थी एक वो लग्जरियस शिप थी उस समय के बहुत लग्जरीज यानी जो लोग लग्जरीज को एक्वायर कर सकते हैं उनके लिए हमारी जर्मनी ने उतनी ही बड़ी नहीं लेकिन उस लेवल की ही ठीक है एक वॉरशिप बना रखी थी जिसमें एम्यूनेशंस थे ठीक है तो एक एम्पेरेटर नाम की शिप थी इन लाइक नाइनटीन ठीक है द लार्जेस्ट वॉरशिप और उसका काम क्या था स्टॉक पाइलिंग ऑफ आर्म्स ये एक ऐसी शिप थी जिसको आज भी नाम लिया जाता है जैसे नॉर्मली टाइटेनिक का नाम लिया जाता है कि यार इतनी बड़ी शिप थी तो तुम्हारी यहां पर यानी ये, ये जो है ना तुम्हारी द लार्जेस्ट वॉरशिप एम्पैरटर इसका भी नाम लिया जाता है ठीक है जो कि नाइनटीन में बनाई गई थी ठीक है उसके बाद यार देखो इफ यू जस्ट प्रोसीड डिवीजन ऑफ यूरोप तो अब यही बात थी देखो यूरोप वॉज द मेन एपी सेंटर फॉर योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ठीक है ऐसा कह सकते हैं कि यूरोप में ही जो है ना मेन लड़ाई शुरू हुई थी इमीडिएट कॉज भी यूरोप का था और उसके साथ साथ जो है ना मेन लड़ाई यूरोप में हो रही थी ठीक? तो यूरोप उस समय में जो है ना काफी एक और भी एक हो गया सो बेसिकली यार देखो, यूरोप, तो दो चीजें हुआ करती थी उस समय पर दो पार्टीज थी, एक थी ट्रिपल अलायंस जिसमें थी तुम्हारी जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली एंड हंगरी ठीक है उसके बाद एक थी तुम्हारी ट्रिपल एंटेंटे जिसमें थे रशिया एंड देन जापान लेटर ऑन जापान ने जो है ना यार तुम्हारे ट्रिपल अलायंस को बेसिकली ज्वाइन कर लिया था लेकिन स्टिल अभी के लिए फिलहाल में स्टार्टिंग में जो है ना तुम्हारे जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली हंगरी वॉज ऑन दी साइड ऑफ ट्रिपल अलायंस एंड उसके बाद एक थी ट्रिपल एंटेंटे विच वॉज कंपराइजिंग फ्रांस इंग्लैंड रशिया एंड जापान तो ये जो है ना दो डिवीजनस हो रखे थे ठीक उसके बाद यार देखो बेसिकली द पॉइंट इज दैट कि जैसे तुम ये दो चीज़ों को समझ सकते हो उसके बाद इफ यू जस्ट प्रोसीड तो अब इमीडिएट कॉज क्या था ठीक है अब कोई भी एक लड़ाई होती है ना तो यार एक ऐसी ऐसी सडन चिंगारी तो जाती जाती है ठीक है अब कुछ भी हो सकता है दो राजाओं के बीच दो राजाओं के बीच में जो है लड़ाई हो गई ठीक है या फिर कुछ भी हो सकता है ठीक है अब लाइक इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक टू टू मैम मै नहीं दिस इज़ समथिंग कि एक बड़े लेवल पे आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से दोनों ही जो साइड्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एंगर में आ गई और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स को कमिट कर दिया विच वॉज नॉट गुड और उसके जो आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो होंगे तो दैट वॉज समथिंग बेसिकली मर्डर ऑफ आर्कड्यूक फ्रांसिस फार्डीनैंड ही वॉज द हियर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ठीक है वो प्रिंस थे और उनका असैशिनेशन कर दिया अब हाउ कैन यू वेन इमेजिन कि आप किंग के बेटे को मार रहे हो और किंग शांत रह जाए ठीक है सो बेसिकली जो है ना हमारे आर्कड्यूक फ्रांसिस फार्डीनैंड गए थे अपनी लाइक फ्योन से थी या फिर उनकी वाइफ थी उनके साथ में गए थे ठीक है कहाँ पर गए थे बेसिकली सर यानी सर्विया गए थे ठीक है अब वहाँ पर ये जो गए थे जहाँ पर इनका असेसिनेशन हुआ एट बॉस्नियन कैपिटल ऑफ सारा जैवो ऑन ट्वेंटी एर्थ जून नाइनटीन फोर्टीन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट तो जस्ट प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड ठीक है तो यार जहाँ पर इनका असेसिनेशन हुआ ठीक है जहाँ पर इनको मारा गया ना तो बेसिकली वो थी जगह बॉस्नियन कैपिटल ऑफ सारा ठीक है कौन सी डेट थी ट्वेंटी जून नाइनटीन उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इनकी डेथ हुई तो वहाँ के जो किंग थे ठीक है वहाँ की जो पूरी सरकार थी उन्होंने बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर चिट्ठा बनाया ठीक है चिट्ठा या फिर कह दो अल्टीमेटम बनाया और वो अल्टीमेटम उन्होंने सर्व किया टू सर्बिया ठीक है एंड वर मेकिंग एलेवन डिमांड्स अब देखो ये जो एलेवन डिमांड्स थी ना इसमें से सर्बिया ने बहुत सारी मान भी ली लेकिन कुछ को नहीं माना विच वॉज लाइक नॉट फेवरेबल टू दस्ट्रिया एंड हंगरी ठीक है तो वहाँ के लिए ये सारी चीजें नहीं थी फेवरेबल दे वॉन्ट कि उनकी सारी की सारी इलेवन डिमांड्स शुड हैव टू बी फुलफिल्ड वरना वो जो है ना वॉर पर आ जाएंगे तो उन्होंने जो है उनकी सारी बातें तो मानी नहीं गई तो उन्होंने वही किया जो उनका सेकेंड ऑप्शन था वो वॉर के लिए होता रहा है ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट चीज है असैशनेशन वॉज डन बाई दी ब्लैक हैंड एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल थे ब्लैक हैंड ठीक है स्पेशल फोर्स नहीं बोलेंगे लेकिन स्टिल लाइक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल थे ब्लैक थी, हैंड्स उनका नाम था और उन्होंने जो ना असिनेशन किया था किसका आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड ठीक है ग्रेट उसके बाद यार देखो इफ यू जस्ट प्रोसीड तो यहां पर से जैसे मैंने बताया ना सर्बिया एक्सेप्टेड मोस्ट बट रिफ्यूज सम लेकिन उनको यह बात राज नहीं आई सर्बिया वॉज अटैक्ट बाय ऑस्ट्रिया ठीक है विद दी हेल्प ऑफ जर्मनी तो यहां पर जो ना जर्मनी ने इन्हों की हेल्प करी ठीक है और ये जो एक बेसिकली तुम्हारी चीज थी ये कब हुई जस्ट एक महीने बाद यू कैन सी दैट 28 जून 1914 को जो है तुम्हारा असैसिनेशन हुआ जस्ट एक महीने बाद जर्मनी ने ठीक है यानी बेसिकली सर्बिया सर्बिया पर जो है बेसिकली हमला हो गया था ऑस्ट्रिया विद द हेल्प ऑफ जर्मनी लेकिन कब जस्ट एक महीने बाद अट्ठाइस जुलाई उन्नीस को ठीक है उसके बाद यार तुम्हारी अब देखो तो देखा था स्टार्टिंग में आ, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एंटेंटे थे लेकिन यहां पर चीजें चेंजड हैं बिल्कुल चेंज हैं यहां पर जो है तुम्हारी अलाइड पावर्स एंड आ, बेसिकली सेंट्रल पावर्स में चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं तो अलाइड पावर्स जो थी उसमें थे तुम्हारे ब्रिटेन फ्रांस एंड देन रशिया ठीक है ब्रिटेन ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस एंड रशिया उसके बाद जो है ना तुम्हारी जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वर मेकिंग दी सेंट्रल पावर्स अब ऐसे कुछ चीजें चल रही थी ठीक है उसके बाद इफ यू जस्ट प्रोसीड तो अब देखो क्या बहुत बड़े इवेंट्स थे अब वॉर तो स्टार्ट हो रखी है ठीक है एक तरीके से वॉर इज स्टार्टेड लेकिन अब क्या बहुत बड़े बड़े इवेंट्स थे उनके बारे में बात करना जरूरी है तो यार देखो बेसिकली सबसे पहला एक बहुत बड़ा इवेंट था बैटल ऑफ मारने ठीक है एंड दैट बैटल ऑफ मारने वॉज लाइक फॉट बिटवीन फ्रांस एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन ऑन वन साइड एंड जर्मनी ऑन दी अदर साइड और यहां पर जो है ना ये बेसिकली वेस्टर्न फ्रंट पर हुई थी वाली वॉर ठीक है बैटल ऑफ मारने क्या क्या था यहां पर एक तो हमारे फ्रांस और ब्रिटेन थे साथ में एंड दूसरे एंड पे जर्मनी थे ठीक है और यहाँ पर से ये जो वाली वॉर हुई थी इसमें बेसिकली हमारी फ्रांस एंड ब्रिटेन जो है विक्टोरियस थे वो जो है ना फ्रांस एंड ब्रिटेन अब दो बड़े बड़े नेशंस हैं जर्मनी अकेला पड़ गया तो ऐसे में बैटल ऑफ मारने में फ्रांस और ब्रिटेन जो है जीत गए थे उसके बाद यार देखो दूसरी चीज़ ये थी मशीन गन्स एंड हैवी आर्टिलरी मेड द लाइफ अब ऑफ ग्राउंड वेरी डेंजरस एंड ट्रांचेज वर डग आउट फॉर डिफेंस सो बेसिकली यार देखो वहाँ पर जो है ना मशीन गन्स यूज हो रही थी ठीक है बड़ी बड़ी मशीन गन्स आर्टिलरी फायर्स हो रहे थे आर्टिलरी फायर यार बहुत बड़ी चीज होती है आपके एक पर्टिकुलर प्लॉट एरिया को जो है ना पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है ठीक है तो ऐसी वाली चीजें जो होती है ना इसकी वजह से सिविलियंस की लाइफ को भी बहुत ज्यादा डेंजर था लेकिन चलो उसको तो साइड में ही रखते हैं उसके लिए तो वो लोग सोच ही नहीं रहे थे इवन दो जो हमारे आर्मी मैंस थे ठीक है उनके लिए तक उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा नरक जैसी हो, हो रखी थी तो उनके लिए जो ना ट्रेंचेस बनानी पड़ी ट्रेंचेस इज समथिंग देखो मैं बताता हूँ ये तुम्हारा एक प्रॉपर लैंड एरिया है तुमने एक ऐसी जो ना ऐसे ट्रेंचेस बना रखी हैं आई सो तुमने कुछ ऐसी मूवीज देख रखी होंगी लाइक गेम्स वगैरह भी खेले होंगे डी डे वगैरह जैसे गेम्स होते हैं या फिर तुमने कुछ ऐसी मूवीज़ जी रखी होंगी जहाँ पर ऐसे ट्रेंचेस बना देते हैं जहाँ पर तुम्हारे आर्मी मैं जो है ना रहते हैं क्योंकि जैसे तुम्हारा कोई भी ऐसे हमला होता है तो वो इसमें छुप सकते हैं फॉर देयर डिफेंस ठीक है ये एक बात होती है उसके बाद यार देखो दूसरी चीज़ बहुत दूसरी चीज़ वॉज दैट कि ईस्टर्न फ्रंट पर भी एक वॉर हुई वेस्टर्न फ्रंट पर तो जो है ना तुम्हारी बैटल ऑफ मारने हुई उसके बाद ईस्टर्न फ्रंट पर ऑस्ट्रिया हंगरी एंड विद दी हेल्प ऑफ जर्मनी दे आर फाइटिंग अगेंस्ट दी रोमेनिया सर्बिया एंड इटली ठीक है ये भी एक बहुत बड़ी वॉर थी लेकिन इसमें जो ना जर्मनी की साइड ने जीत लिया यहाँ पर तुम्हारी ऑस्ट्रिया हंगरी एंड जर्मनी वन द वॉर ठीक है अब वेस्टर्न फ्रंट पे जो है जर्मनी हारी थी लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे वो लोग जीत गए थे ये चीज़ याद रखना उसके बाद ब्लॉकिंग ऑफ एनिमी लाइन्स टू कट ऑफ प्रोविजन ऑफ वॉर एंड रॉ मटेरियल देखो यार ऐसी जब कोई भी एक वॉर होती है ना तो उसका मतलब ये नहीं है कि यू जस्ट हैव टू किल योर एनिमी विथ लाइक तुमको सिर्फ उसे बंदूक की गोली के थ्रू ही मारना है या फिर तुमको उसको मारने के लिए उसको जो है ना उसको किल करना पड़ेगा लाइक अ प्रॉपर एम्यूनेशन या फिर कुछ ऐसे आर्मनेंट रिसोर्सेस के थ्रू ज़रूरी नहीं होता आप क्या कर सकते हो आप जो है ना ऐसे में वॉर की या फिर रॉ मटेरियल की अगर सप्लाई ही बंद कर दो ठीक है अब आप सामने किसी को मारने जा रहे हो उसके बाद डिफेंस के लिए कुछ है नहीं तो ऑटोमेटिकली यार वो नहीं बच पाएंगे ठीक है एंड रॉ मटेरियल से समथिंग कि अगर उनको फीड करने के लिए उनको खाना खाने तक के लिए चीजें नहीं हैं तो कैसे में ही वो जिंदा रह जाएंगे ठीक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिस्कशन के लिए सो so बेसिकली उन्होंने क्या किया उन्होंने टोटल प्रोविजन ही प्रिवेंट कर दिया वॉर मटेरियल्स प्रॉपर एम्यूनेशन रिसोर्सेज और तुम्हारे रॉ मटेरियल्स होते थे लाइक like फूड हो गया वाटर हो गया दूध हो गया तुम्हारा ठीक है और जितनी भी चीज़ें होती थी फॉर देयर लिविंग उसकी प्रॉपर जो यानी लाइंस थी ना उनको कट कर दिया गया उनका प्रोविजन टोटली बैन कर दिया गया प्रोहिबिट कर दिया गया ठीक है उसके बाद टर्की ज्वाइंट सेंट्रल पावर एंड वाज अटैक्ड बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड सरेंडर्ड ऑन 30 अक्टूबर 1918 तुमको एक इंसिडेंट पता है ना तुमने पढ़ा था वही यानी उनके यानी बेसिकली जो है ना एक खिलाफत मूवमेंट आया था ठीक है जिसमें आ, बेसिकली उनके खलीफ को ठीक है जो कुछ हार्म यानी किया गया था बेसिकली ठीक है और उनके खलीफ के अगेंस्ट कुछ किया गया था वो यही इंसिडेंट है जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी वाज देयर ठीक है टर्की ज्वाइंट सेंट्रल पावर एंड वाज अटैक्ट बाय ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड सरेंडर्ड ऑन थर्टीथ अक्टूबर एटीन ठीक है किसने सरेंडर किया था टर्की ने उसके बाद यार देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ये है नाइनटीन में ठीक है जर्मन यू बोट्स थी कुछ कुछ जर्मन यू बोट्स थी जैसे कि मैंने बताया ना कि जर्मनी ने सबसे खतरनाक नेवी बना रखी थी तो उनकी यू बोट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है लाइक like, बहुत ज़्यादा एफिशियंट थी तो उन्होंने जो ना एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप जिसका नाम था लूसितानिया ठीक है जिसका नाम था लूसितानिया उसको डुबा दिया अब उसको डुबा दिया तो उसके अंदर देखो वो पैसेंजर शिप थी तो उसके अंदर ऑब्वियसली कोई आर्मी वाले लोग नहीं थे उसके अंदर सिंपली सिविलियंस थे ठीक है और जैसे ही उसको डबाया गया उसके अंदर यार जो भी सिविलियंस थे ना उनकी डेथ हो गई विच वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट क्योंकि वॉर अगर सिर्फ आर्मी मैं तक रहती है तो समझ में आता है देश के धरोवर होते हैं वो ठीक है लेकिन जैसे ही बात सिविलियंस पे आ जाती है तो दैट बिकम समथिंग विच इज़ अ लाइक वेरी वेरी मच ऑफ अ क्रूअल थिंग ठीक है तो दिक्कत क्या थी ये जो हमारी एक आ, शिप थी ना पैसेंजर शिप इसका नाम था लूसितानिया और इसके अंदर एक सौ थे अभी तक तो मैं एक चीज़ नोटिस कर रहे थे अमेरिकन की यहाँ पर यानी यूएसए की बेसिकली यहाँ पर एंट्री नहीं हुई थी लेकिन इस एक रीज़न की वजह से जैसे ही लूसेतानिया को डुबाया गया इस एक रीजन की वजह से जो है ना यू ने एंट्री ली यार यू भी उस समय पर एक बहुत बड़ी पावर हुआ करती थी सो दे वर वन ट्वेंटी एट अमेरिकन इन दैट शिप एंड देन यू एस ए डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी ऑन सिक्स अप्रैल नाइनटीन सेवनटीन ठीक है छः अप्रैल उन्नीस सौ सत्रह में जो है ना बेसिकली तुम्हारे यू एस ए ने जर्मनी पर एक वॉर डिक्लेयर कर दी क्यों क्योंकि लूसे में बैठे हुए उनके 128 सिविलियंस को बहुत ही गलत तरीके से जो है ना डुबाया गया था मारा गया था ठीक है इसी वजह से यू ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ में जो है एंट्री ली और उसके बाद तुम तो एक चीज़ समझ सकते हो कि अब एक और नेशन आ गया है एक और सुप्रीम पावर आ गई है तो वॉर वॉज लाइक बीइंग मोर एंड मोर क्रिटिकल उसके बाद यार देखो जो है तुम्हारी रशिया तो, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थे लेनिन उन्होंने जो है ना इस वॉर पे अपनी साइड से रशिया की साइड से पूर्ण विराम लगा दिया ठीक है उन्होंने सिंपली बस बोला देखो यार तुमको लड़ना है लड़ो रशिया की इन्वॉल्वमेंट वैसे ही वॉर में बहुत ज़्यादा हो रखी है हमने खोया ही है देखो ऑब्वियसली वॉर होती है तो आप खोते ही हो अगर आप विक्टोरियस भी निकलते हो तब भी आप एक चीज़ देखोगे कि आपने खोया बहुत कुछ है पाया बहुत कम है ठीक है खोया बहुत कुछ है और पाया बहुत कम है तो इसी वजह से रशिया ने कहा कि नहीं अब वी जस्ट डोंट वांट आर एग्जिस्टेंस टू बी देयर इन दिस वॉर ठीक है एनी मोर सो बेसिकली उन्होंने जो है ना विद्रॉ कर लिया और उसका रीजन कह सकते हैं उन्होंने दिया था रशियन रेवोल्यूशन विच वॉज देयर उस समय पर और लेनिन प्रपोज दी एंड टू वॉर लेनिन ने जो है इस वॉर में अपनी साइड से पूर्ण विराम लगा दिया था उसके बाद यार देखो जो है ना तुम्हारी इवेंट्स ऑफ वॉर में एक पीस ट्रीटी तक साइन की गई आ, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क विथ जर्मनी ठीक है तो ये एक एरिया था जिसने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करी एंड उसके बाद बाय 1980 जर्मनी बिगैन टू बी रूटेड बाय अलाइड पावर्स एंड बल्गेरिया विदड्रॉ फ्रॉम वॉर एंड टर्की हैड ऑल्सो सरेंडर्ड ठीक है यानी अब जर्मनी जो ना एक साइड एक तरीके से देखा जाए इस समय पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक आते आते बहुत जरूरी चीज़ है आगे वाले चैप्टर में रिलेट करने में हेल्प करेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आते आते जर्मनी जो है ठीक है वो यार बहुत बुरी तरीके से सराउंडेड था ठीक है बहुत बुरी तरीके से एनिमीज से सराउंडेड था और वो अकेला पड़ गया था तो उस समय पर जो है ना उनको सरेंडर करना पड़ा था जैसे कि तुमने देखा कि बल्गेरिया ने विड्रॉ कर लिया टर्की ने सरेंडर कर लिया ठीक है तो इस वजह से जो ना और वो साथ साथ अलाइड पावर से घिरे हुए थे तो इस वजह से जो ना जर्मनी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहा था उस समय पर उसके बाद यार देखो जो है ना तुम्हारी एक ट्रीटी ऑफ वर्सलीस को साइन किया यानी साइन किया गया एंड दैट वॉज साइंड ऑन ट्वेंटी June जून नाइनटीन नाइनटीन ठीक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी इंपॉर्टेंट डेट्स का नाइन ट्वेंटी एट्थ जून नाइनटीन नाइन्टीन को क्या हुआ था ट्रिटी ऑफ वर्सेलीस को साइन किया गया था जर्मनी वॉज गिल्टी ऑफ अग्रेशन ठीक है ऐसा बोला गया कि जर्मनी की साइड से जो ना अग्रेशन आया था एंड दे दे वर सेइंग दैट कि जर्मनी शुड हैव टू बी गिल्टी ऑफ देयर अग्रेशन ठीक है कोई भी यार एक देश जो अपनी इच्छा के साथ वॉर में था वो बाद में ये नहीं चाहता कि उनको सरेंडर करना पड़े या फिर उनको माफी मांगनी पड़े लेकिन स्टिल जर्मनी वॉज फोर्स टू तो डू इट और उस, उस समय पर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गए थे सो दे जस्ट हैव टू डू इट इफ दे जस्ट वॉन्ट टू सेव दैम सेल्फ दे हैव टू डू इट ठीक है उसके बाद जर्मनी हैज टू पे थर्टी थ्री बिलियन डॉलर फॉर द लॉसेज ऑफ विक्टोरियस नेशंस यार अगर तुम इन्फ्लेशन लगा यानी इन्फ्लेशन लगाते हो ना बेसिकली सौ साल से ज्यादा की बात है ये, तब के थर्टी थ्री बिलियन डॉलर्स, अभी आंकड़ा इसका ट्रिलियंस में होगा और यह जो है ना अमाउंट जर्मनी को पे करना पड़ा था बहुत सालों तक उन्होंने ये अमाउंट को चुकाया था रायने वैली वज़ टू बी ऑक्यूपाइड फॉर फिफ्टीन ईयर्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम थी जर्मनी के लिए रायने वैली और इसको भी जो है ना पंद्रह साल के लिए जब्त कर दिया गया था उसके बाद लॉस्ट ऑल हर कॉलोनीज एंड साइज़ ऑफ जर्मनी नेवी जर्मन नेवी एंड आर्मी वॉज रेस्ट्रिक्टेड उस समय पर देखो यार जर्मनी वॉज लाइक लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ देयर आर्मी एंड नेवी ठीक है लेकिन स्टिल अब उनकी साइज़ को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आपकी आर्मी में इतने ही वॉरशिप्स होंगे आपकी आर्मी यानी बेसिकली नेवी में इतने ही वॉरशिप्स होंगे आर्मी में इतने ही लोग रहेंगे इतने ही जो है ना आपके जवान रहने वाले हैं सो so, ये एक बात थी उसके बाद यार देखो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स ये भी कुछ हुआ था तुम्हारा देखो अब एक वॉर होती है तुमने देखा कि जर्मनी ने उनकी आ, लाइक कॉलोनीज को लॉस्ट कर दिया तो अब ये जो बची कुची जगहें थी ये कहाँ गई कैसे हुई मार्क यानी इनका हर एक चीज देखना ज़रूरी है सो बेसिकली मार्ग एंड ऑफ थ्री रूलिंग डायनेस्टीज इन यूरोप ठीक है कौन कौन सी थी वो रोमानोव इन रशिया हो इन इन जर्मनी एंड हैप्सबर्ग इन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी ठीक है ये जो तीन तुम्हारी डायनेस्टीज़ थी इनको हटा दिया गया था उसके बाद रूल ऑफ ओटोमैन एम्पायर केम टू एंड इन इटली ठीक है अभी तक यहाँ पर जो है ना ओटोमैन एम्पायर का आ, रूल चल रहा था उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिकेम टू सेपरेट स्टेट्स अभी तक तुमने देखा था चैप्टर में हम लोग ऑस्ट्रिया और हंगरी को एक डैश के थ्रू इंटीग्रेट करके एसोसिएट करके रख रहे थे लेकिन यहाँ पर जो है ना यार बेसिकली इनको भी डिसोसिएट कर गया कर दिया गया था ठीक है विच वॉज अ वेरी बैड थिंग एक आ, सिंगल स्टेट को जो है ना दो स्टेट्स में सेपरेट कर दिया गया उसके बाद यार देखो फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन तो अब जितने भी तुम्हारे नेशंस थे पार्टिसिपेटिंग नेशंस थे उनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ऐसे तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो वॉर को वॉर इज समथिंग जो कि ऐसे सिंपली प्रिवेंट नहीं होती यू जस्ट हैव टू डू समथिंग फॉर इट ठीक है तो उन्होंने जो ना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया दैट वाज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत सारे लोगों ने यानी बहुत सारे सुप्रीम पावर्स ने अटेंड भी किया सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड फॉर दी फर्दर प्रिवेंशन ऑफ वॉर दे आर अवेयर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अब यार वॉर होती है तो सबका नुकसान ही है ठीक है सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑल नेशंस वर प्रोहिबिटेड एंटरिंग एंड फॉर्मिंग एन एनी अलायंस और ट्रिटी ठीक है बेसिकली यहाँ पर एनी होगा uh, यहाँ पर जो है ना बेसिकली बात ये थी कि अब सारे ही नेशंस को प्रोहिबिट कर दिया गया था किसी भी एक नई अलायंस या ट्रीटी को बनाने के लिए उसके बाद ऑल नेशंस हैड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स इंडिपेंडेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है जो भी एक विक्टोरियस था जो भी यानी हारा था वो बातें अलग हैं बेसिक पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो ना अब जो भी तुम्हारे नेशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस को आपको रिस्पेक्ट करना है उसके बाद मेंबर नेशंस हैड टू टेक स्टेप अगेंस्ट दी कंट्री डिस्टर्बिंग दी वर्ल्ड पीस ठीक है मेंबर नेशंस जो थे उनको बेसिकली यार कुछ यानी ऐसी बातें थी कि अगर अब फिर से किसी की साइड से अपराइजिंग आ रही है फॉर द वॉर तो आपको जो ना उस एक नेशन को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस करना है उसकी अपराइजिंग को सप्रेस करना है उसके अगेंस्ट स्टेप लेना है उसके बाद टू प्रमोट सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कोपरेशन ठीक है और ये बातें जरूरी होती हैं यार देखो सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कोपरेशन इज समथिंग विच इज़ मैंडेटरी टू बी देर ठीक है वरना जो है ना बातें वही फिर वैसी की वैसी हो जाती हैं और एट दी एंड एट ए लास्ट वॉर ही होता है उसके बाद यार देखो लिमिटेशन क्या थे इस लीग ऑफ नेशन के सो बेसिकली जर्मनी एंड सोवियट यूनियन सोवियट यूनियन मतलब है तुम्हारा रशिया वर नॉट द मेम्बर ऑफ द लीग एंड राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन लाइक जर्मनी एंड इटली ठीक है उस समय पर जो है ना जर्मनी में और इटली में डिक्टेटरशिप आ चुकी थी जो कि तुम अपन पढ़ेंगे अलग से चैप्टर रहेगा इसके लिए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे लेकिन स्टिल दिज ऑल थिंग्स पुट द एंड टू दिस चैप्टर एंड वी हैव डन द इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं फिर से क्लियर कर इफ यू आर एंड अवेयर ऑफ दी डब्ल्यू टी एफ सीरीज हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को किया है नेक्स्ट डे है जो तुम्हारा फ्राइडे उसमें हम लोग जो जोग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर को कर रहे होंगे ठीक है उसके बाद ऐसे ही प्रॉपर ये तुम्हारी रिदम जो है मेनटेन्ड रहेगी सो जस्ट डू अटेंड ऑल द सेशन ठीक है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इनको कभी भी मिस नहीं करना है डब्ल्यू टी एफ सीरीज इज समथिंग विच कैन एक्चुअली सीरियसली सेव यू ठीक